हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो यार अभी भी मेरे पास आप सब के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में फेरोज खान इसी के साथ साथ वसीम अकरम की वाइफ और इमरान अशरफ का जो सीन था वो सारा एक्सप्लेन किया था, और उससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किसी सारे सीन के रिलेटेड तो वो पहले आप लोग लाजमी चेकआउट करें। सीन ये कि वसीम अकरम की वाइफ और फेरोज खान का जो सीन चल रहा था उसी में उन्होंने अब इमरान अशरफ को भी इन्वॉल्व किया था। अब इमरान अशरफ ने इसी सारे सीन के रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उनको जो बिलावजह घसीट रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ वो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के रिलेटेड भी कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद इमरान अशरफ को काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। तो इमरान अशरफ ने वसीम अकरम की वाइफ को रिप्लाई देते हुए जो वीडियो शेयर किए, पहले मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने एक वीडियो लगाई जो मेरे घर के बाहर मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ है, तो गाड़ी अंदर लेके जाते हुए हमने एक डांस किया जिसमें हमारी भाभी जो बाहर के मुल्क से आई है, हमारी बड़ी काबिल इज्जत है और उनका ताल्लुक उस शख्स के साथ है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टार है। उन्होंने मेरी उस वीडियो को जिसके ऊपर सिर्फ एक दिल बना हुआ है और वो मेरे बेटे के साथ है जो रोज आ रही है, उसको अपनी चलती हुई कॉन्टैक्ट के साथ लिंक कर लिया। क्या उस वीडियो में कुछ लिखा है? क्या वो वीडियो किसी को टैग हुई है? या मैंने आपको ये कहा है कि आप गलत बात कर रही हैं? वीडियो ऐसी आ रही है, लेकिन हिम्मत भी भाभी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बगैर सोचे समझे सिर्फ अपनी को सेव करने के लिए आप एक इंसान की घर की पर्सनल एक पर्सनल वीडियो, एक उसकी औलाद के साथ एक वीडियो, और औलाद भी मेरी वो है, मैं मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की माँ, हम इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। गुजरता है इंसान, सबको पता है इस बात का। मैं आपकी लड़ाई में क्यों आऊँगा? मैं आपको क्यों गलत कहूँगा? और आपसे मेरा कोई लेना ना देना ना भी मेरी आपकी बात है। तो भाभी ये तो मैं करें प्लीज, भाभियाँ तो माओ जैसी होती हैं। प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे किसी को बिना वजह ड्रैग नहीं करते। किसी एक लगी हुई वीडियो जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यू आर लिंकिंग मी, आप एलिगेशन लगा रही हैं मेरे ऊपर। आप मेरे मुझे ये कह रही हैं कि मैं इमरान अशरफ की बात कह रहा है कि आप अपने बच्चों को सीट बेल्ट के बगैर लेके जाए। आप इमरान अशरफ की इसी वीडियो के रिलेटेड वसीम अकरम की वाइफ ने स्टोरी लगाते हुए कहा, वुड लव टू गेट अ कैंपेन गोइंग मच ओवर ड्यू। तो देखते हैं कि क्या मजीद डिटेल्स वगैरह इनकी तरफ से अभी अब निकल के सामने आती हैं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो जुनेद अकरम से रिलेटेड है। तो रिसेंटली जुनेद अकरम ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनकी काफी ज्यादा इनकम जो है वो स्पॉन्सर्स के पास अटकी हुई है और सब किसी न किसी वजह से पेमेंट डिले पे डिले किए जा रहे हैं। तो वो इसके रिलेटेड क्या बात वगैरह करते हैं, पहले तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार बहुत मुश्किल है काम करना। मैंने जनवरी में एक बहुत बड़े बैंक के लिए वीडियो बनाई थी, अगला जनवरी आ रहा है पेमेंट नहीं आई। एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए बनाई थी जुलाई में, अभी तक नहीं आए पैसे, वो अगले साल ही मिल लेंगे। अच्छा एक साबुन वाले हैं उनके भी अभी तक नहीं आई, और एक और है उनको भी 4-5 महीने हो गए। उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अब डॉलर का रेट क्या है। फिर लाइक हर मंडे अपने ही पैसे भीख की तरह मांगो कि भाई दे दें दे दें दे दें, मसला कोई नहीं, एक स्टोरी बना के ब्रांड को टैग कर दूँ, मसला ये है अगले की नौकरी जाएगी, वो भी नहीं कर सकते। बगैर इसके अलावा जुनेद अकरम ने एक और वीडियो शेयर करते हुए कंपनी ओनर्स वगैरह के रिलेटेड बात करते हैं, जो कि टीवी शोज पे आके काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, वो अपने सर्वेंट्स को वैल्यू तक नहीं देते। और इसी के साथ साथ जुनेद अकरम बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो ऐसे तमाम लोगों का राज फाश करेंगे। तो वो क्या बात वगैरह करते हैं वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो बात निकली, मुझे एक वाक्य याद है, मैं और मेरी दोस्त ज़ैनब, वी वर्क टुगेदर, हम लोग एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के ऑफिस गए, आलीशान बिल्डिंग, आलीशान दफ्तर, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की और मैंने बंदे से पूछा, यार ये क्या हो रहा है? पता चला वहाँ पे ये पानी की बोतल है ना, ये आप टेबल पे नहीं रख सकते और चाय आप टेबल पे नहीं पी सकते। ऑफिस का एक पूरा फ्लोर है, कोने पे एक जेल बनी हुई है और उस जेल बाकायदा सलाख है, उस सलाखों के पीछे बैठ के ही पानी पियो, वही चाय पियो और वापस आके डेस्क पे काम करो, ये हाल। और टीवी पे आके इनकी जो भाषण है, ओ हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमारा ये कॉज, हमारा घंटा। जिस दिन मैं लोकल इकोनॉमी के मैट्रिक्स से निकल गया ना, यू विल सी अनदर साइड ऑफ मी, मैं सबको नंगा कर दूंगा। अभी मैं, मेरी मजबूरी है, लोगों के पेट लगे हुए यार, इतने सारे 22-24 एम्प्लॉयज है मेरे, ठीक है ना, अभी मैं ये चीजें नहीं कर सकता। मगर ये सब झूठ बोलते हैं टीवी पे आके, ये सब दो नंबर है यहाँ पे। अगर आप लोग जुनेद अकरम की बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो डूग्स लाइफ से रिलेटेड है। तो रिसेंटली उनको लोग काफी ज्यादा डीएम्स वगैरह कर रहे हैं कि डक्की भाई के ऊपर वीडियो बनाओ, डक्की भाई के रिलेटेड वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह। इसी सारे सीन के रिलेटेड अपडेट देते हुए इन्होंने एक वीडियो शेयर की है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में लहू घोल दिया है, डक्की को करो, डक्की को डक्की को। बेटा वहां से जब हेट आता है ना तो वो बहुत बुरा लगता है, चाहिए मैं देखता नहीं हूँ कमेंट्स, जो अच्छे होते सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ, बाकी किसी पे नहीं देखता। तो चलो मैं कर देता हूँ, चाहिए पहले तुम लोग जाओ डकी को डीएम करो, जितने लोग जा सकते हैं उसको डीएम करो, बोलो कि डूग्स लाइफ को
उसकी परमिशन दो, सही है, फिर वो मुझे परमिशन देगा। ये नहीं कि वो मुझे खुद से आके मैसेज करे, बस कुछ भी मुझे परमिशन मिल जानी चाहिए। और एक बात ज़रूर मेंशन कर देना कि कोई नेगेटिव नहीं होगा, सही है, कि मैं उसकी फैमिली को लेके जो है टारगेट करूँ, उसकी जो वीडियोज़ होंगी ना सिर्फ उसको काउंटर करूँगा, सही है, कोई नेगेटिव नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो डकी भाई भी अब इजाज़त दे ही सकते हैं, बाकी लो इजाज़त करते हैं। थैंक यू। तो अगर आप लोग डूक्स लाइफ के फैन है तो आप लोग डकी भाई को डीएम करके ये कह सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो कनेक्ट काशान से रिलेटेड है। काफी टाइम से वो अपने दी एडीएस चैनल पे इनएक्टिव थे, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसपे उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो उसी के रिलेटेड अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि अब वो मजीद वीडियो वगैरह भी अपलोड करने वाले हैं। और अपने मेन चैनल के रिलेटेड भी अपडेट देते हुए उन्होंने कुछ बातें वगैरह की, तो वो क्या बात वगैरह करते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद नजार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारी गाली बॉय जो द इडियट्स के ऊपर वीडियो आई हमारी, बहुत अरसे बाद उसको इतना अप्रिशिएट किया, सराहा, कंटेंट मज़े का लगा, एडिट अच्छी लगी, आपको कॉन्सेप्ट ज़रा न्यू लगा। तो बस अब ये है कि अपडेट ये है कि अब बस कल भी हम वीडियो शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अब कंटेंट अच्छा अच्छा आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह द इडियट्स पर, और अपने चैनल पर भी व्लॉग व्लॉग करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार बीच में राहील वाला सीन काफी ज्यादा वायरल चला था और मैंने उसके रिलेटेड भी काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड की थी। और मिस्टर जे प्लेस का रिएक्शन और मिस्टर जे प्लेस के साथ राहील की जो बातें वगैरह थी वो भी मैंने आप लोगों को सारी समझाई थी और सुनाई भी थी। फिर अब सीन ये कि जिस लड़की ने राहील के ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाए थे कि राहील 10-12 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है वगैरह वगैरह, उसी ने अब दोबारा अपने इंस्टा पे कन्फर्म किया है कि वो राहील दोबारा जो है वो रिलेशन में है। ये चीज तो समझ से बाहर है कि इतना बड़ा इशू बना के फिर उसको इतना जल्दी सोल्व भी कर लेना। इसी के रिलेटेड उन्होंने अपने एक स्टोरी पे लिखा था, बैक टुगेदर वुड इंप्लाई दैट वी कंटिन्यूड वेयर वी लेफ्ट ऑफ प्रीवियसली एंड दैट्स नॉट द केस एट ऑल, एवरीथिंग इज डिफरेंट दिस टाइम, इट्स मोर सीरियस बट वी आर टुगेदर। तो अब ये सीन तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह सकता, बकाया आप लोगों के इसके ऊपर जो ओपिनियन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लंबे लंबे पैराग्राफ भी लिख दे, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूंगा, क्योंकि यार ये सीन तो मेरी भी समझ से बिल्कुल ऊपर से गया है। बकाया जितना हो सके ये क्लिप मिस्टर जे प्लेस को शेयर करें, क्योंकि मिस्टर जे प्लेस की राहील से बात होती रहती है, लाइव स्ट्रीम में मिस्टर जे प्लेस इसके रिलेटेड जरूर बात करेंगे। बकाया अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।